यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर सिविल इंजीनियर पद के लिए करवाई गई परीक्षा विवाद के घेरे में आ गई है और परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछा गया एक सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजनीति जगत तक सुर्खियों में है। दरअसल परीक्षा के प्रश्न पत्र में 75 नंबर के एक सवाल में ये पूछा गया था कि हरियाणा में कौन सा अपशकुन नहीं माना जाता है। साथ ही इस सवाल के जवाब के लिए दिए गए ऑप्शंस में काले ब्राह्मण से मिलना और ब्राह्मण की कन्या को देखना भी ऑप्शन था। इन ऑप्शन को लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया है। समाज के लोग आयोग के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और HSSC के चेयरमैन के साथ प्रश्न पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। और वहीं आयोग ने इस प्रश्न को वापस लेने का फैसला किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी गलती मानी गई है और HSSC ने ये गलती मानी भी है और ये भी आश्वासन दिया है कि जो दोषी होंगे इस पूरे मामले को लेकर, इस प्रश्न को लेकर जो इस परीक्षा में शामिल किया गया है, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहा है और 2 से 3 दिन लगातार ये हो चुके हैं और इसी को लेकर जो है अब ये मामला राजनीतिक जगत तक पहुँच चुका है और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विरोधी हैं खुद सरकार के, वो भी अब सरकार की कार्यप्रणाली पर और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह से ऐसा सवाल, विवादित सवाल परीक्षा में शामिल किया जा सकता है।